दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओलिजर में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ RSMSSV राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित LDC भर्ती परीक्षा टाइपिंग और दक्षता टेस्ट के बारे में। उसके हम सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। और दोस्तों ये जो मैं आपको डिटेल दूंगा बिल्कुल ऑफिशियल दूंगा, ना कि कोई फेक डिटेल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। जैसे कि हमारा दोस्तों यहाँ पे टॉपिक वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहला हमारा टॉपिक ये होगा जो आपके मन में होगा, यहाँ पे दक्षता परीक्षण MS वर्ड में होगा या एक्सेल में होगा। तो सभी का मन में ये सवाल होगा, तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद में आपका सेकेंड क्वेश्चन जो बनता होगा, यानी आपके जो दिमाग में आता होगा, दक्षता परीक्षण में MS वर्ड का कौन सा वर्जन आएगा। दोस्तों यहाँ में MS वर्ड में जो आप पूछते रहते हो कि 2010 आएगा, मेरे पास 2007 है, 2011 है, तो इसमें कौन सा वर्जन आएगा वो भी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। और दोस्तों ये मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो बनता है, यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग टेस्ट में फॉन्ट कौन सा लिया जाएगा। दोस्तों जैसे स्टैंडर्ड, मानक, अलग अलग तरह के फॉन्ट होते हैं, हिंदी में अलग फॉन्ट होते हैं, तो उसमें से किस प्रकार का फॉन्ट आपको एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट के दौरान दिया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए चौथा टाइपिंग टेस्ट में बैकस्पेस काम करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों जब आप टाइपिंग टेस्ट यानी टाइपिंग की एग्जाम देने जाते हो तो आपका बैकस्पेस बंद हो जाता है या नहीं होता, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों ये लास्ट में जो आपका टाइपिंग टेस्ट सॉफ्टवेयर पर होगा या MS वर्ड पर, यह भी आपके मन में सवाल बना रहता है, तो इन सभी सवालों को मैं आपको वन बाय वन क्लियर करके बताऊंगा और बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से करके बताऊंगा, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वरना आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देखिए मैं इसके ऑफिशियल प्रेस नोट पे आ चुका हूँ, यहाँ पे जो RSMSSV ने अपनी जारी किया है इसकी आप चाहो तो डेट देख सकते हो, यहाँ पे दिनांक 23 जुलाई 2019। और यहाँ पे दोस्तों इसके इंस्ट्रक्चर ये रहे, देखिए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए लिपिक ग्रेड सेकेंड कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के फेस सेकेंड हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण गति यानी टाइपिंग टेस्ट एवं दक्षता परीक्षण यानी FSSSV टेस्ट परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश। तो यह मैं आपको पूरा ऑफिशियल बताने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई फेक नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आप सीधा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए दोस्तों अभ्यर्थी गति दक्षता परीक्षण प्रारंभ होने के निर्देश समय 1 घंटा 30 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल पर अपनी उपस्थिति दे देवे। यहाँ पे दोस्तों आपको इंटरेस्ट स्क्रीन दे रखे, उसके बाद दोस्तों मैं अपने सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उक्त परीक्षा हेतु मॉक टेस्ट का लिंक अलग से बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसका अभ्यर्थी आवश्यक रूप से ट्रायल कर लेवे। यानी जब इसका मॉक टेस्ट होगा तो मैं इसकी आपको वीडियो बना के बता दूंगा किस प्रकार से आपको इसका मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा देखो लिखा रखा है लिपिक ग्रेड सेकंड परीक्षा के प्रथम फेज में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के द्वितीय फेज टंकण में कंप्यूटर आधारित अंतर्गत आपको एग्जाम देनी होगी। तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ इस प्रकार का पैटर्न रहेगा दोस्तों, हिंदी टंकण गति परीक्षण यानी आपका टाइपिंग टेस्ट आपका 10 मिनट का रहेगा, कुल अंक आपके 25 होंगे और यहाँ पे कम से कम आपको 9 अंक चाहिए पास होने के लिए। इसी प्रकार से अंग्रेजी में आपका सेम यही रहेगा और यहाँ पे भी आपको 25 अंक का रहेगा और मिनिमम 9 अंक चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका हिंदी एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें भी आपका 10 मिनट का रहेगा टाइम और 25 अंक का रहेगा और आपको इसे भी 9 चाहिए। सेम इसी प्रकार से आपका अंग्रेजी का भी पैटर्न रहेगा। तो ये तो आपको दोस्तों पैटर्न की बात रही। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे गति की बात करने वाला हूँ, यहाँ पर आपकी जो त्रुटि वगैरह है यहाँ पर देखिए दोनों भाषाओं हिंदी एवं अंग्रेजी का प्रत्येक भाग 25 अंकों का होना एवं प्रत्येक भाग के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी हिंदी एवं अंग्रेजी का प्रत्येक भाग 25 अंक का होगा और 10 मिनट के लिए समय दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको कुछ अभ्यर्थी को दोनों भाषाओं हिंदी एवं अंग्रेजी में परिच्छेद पैराग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अंग्रेजी में परिच्छेद 5 शब्द का होगा, यानी जो अंग्रेजी में आपका पैराग्राफ आएगा वो 5 शब्द का होगा और हिंदी में जो आपका पैराग्राफ होगा वो 4 शब्दों का होगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए तीसरे नंबर का जो पॉइंट दे रखा है, अंग्रेजी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.05 अंक निर्धारित होंगे तथा हिंदी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.062 निर्धारित होंगे। और दोस्तों यहाँ पे दो आपकी गलती वगैरह आप जो करते हो यहाँ पे उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रखा है अलग अलग तरीके से, तो आप इसको भी सही से पढ़ लें
यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी द्वारा किए गए टंकण गति कार्य के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना प्रक्रिया में निम्नांकित त्रुटियों के अंकन नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यदि आपने गलत वर्ण शब्द या अंक लिख दिया यानी टाइप कर दिया तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे। यदि आपने वर्णों शब्दों या अंकों का छोटा, यदि आपसे वर्ण या शब्द छूट गए तो भी आपके नंबर काट लिए जाएंगे। यदि आपके वर्ण शब्द अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति हो गई यानी आपने एक शब्द को डबल वारी टाइप कर दिया तो भी आपके अंक काट लिए जाएंगे। यदि आपने अपने विराम चिन्हों का यथावत प्रयोग नहीं किया यानी आपने विराम चिन्ह को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो भी आपके अंक काट लिए जाएंगे। यदि आपके शब्द अंतराल में त्रुटि करना यानी आप जैसे कोई स्पेस देते हो तो उसमें त्रुटि रह गई हो यानी गलती हो गई तो भी आपके नंबर काट लिए जाएंगे। कैपिटल एम स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करने पर भी आपका त्रुटि हो नंबर काट लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अलग अलग तरीके त्रुटि दे रखी है, तो आपको इनका ध्यान अवश्य रखना है। दोस्तों ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बाद में इसको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में आपको मैं सारी डिटेल दे देने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके आपको ये बता रखा है, इसको भी आप पढ़ लें एक बार अच्छे तरह से। अब दोस्तों हम अपने पहले सवाल की तरफ जाते हैं, जो कि हमारा पहला सवाल। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा पहला सवाल दोस्तों यहाँ था दक्षता परीक्षा एमएस वर्ड में होगा या एक्सेल में होगा। तो दोस्तों हमारा पहले सवाल का जवाब ये रहा दोस्तों, हम इसके पीडीएफ पे फिर से आते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए दक्षता परीक्षा एमएस वर्ड 2007 में दोनों भाषाओं हिंदी एवं अंग्रेजी में कराई जाएगी, जिसमें पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा साफ साफ ये बोल रहा है कि एमएस वर्ड में हमारा दक्षता परीक्षण यानी एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर होगा, ना कि एमएस एक्सेल में। तो इसने यही दे रखा है दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक्सेल का कहीं जिक्र नहीं आ रहा है। तो हमारा ये पहला पैराग्राफ यानी पहला जो एफिशिएंसी है जो क्लियर हो चुका है, जो मैंने आपको सवाल किया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने इसका तैयारी वगैरह भी करा हूँ आपकी, तो भी आप उसकी वीडियो देख लें कि एफिशिएंसी टेस्ट किस प्रकार से आपको देखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन जो बनता है, यहाँ पे आप देख लीजिए दक्षता परीक्षा में एमएस वर्ड का कौन सा वर्जन आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एमएस वर्ड का आपको साफ साफ बता रखा है, दक्षता परीक्षा में एमएस वर्ड 2007 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ना तो 9, 11 वगैरह कुछ नहीं आएगा, एमएस वर्ड 2007 आएगा। यदि आपके पास एमएस वर्ड 2007 नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो उसमें मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप देख लीजिए, अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग टेस्ट में फ़ॉन्ट कौन सा लिया जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से कौन सा फ़ॉन्ट आपको लिया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों ये रही, यहाँ पे देखिए देवलाज 010 फ़ॉन्ट के अनुरूप में चेक कर ले हुए, यहाँ पे देखो देखिए आपको बता रहा होगा, यहाँ पे देखिए अंग्रेजी टाइप के लिए प्रचलित फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा तथा हिंदी टाइप के लिए स्टैंडर्ड बोर्ड कीबोर्ड एम देवला 0 फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा, यानी आपका अंग्रेजी में स्टैंडर्ड का फ़ॉन्ट ले जाएगा। और यहाँ पे देखो कुर्ती जिसको हम बोल सकते हैं देवलीज को 010 को कुर्ती देव हिंदी में आपका फ़ॉन्ट लिया जाएगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हुआ दोस्तों। इसके बाद में हमारा यहाँ पे देखिए टाइपिंग टेस्ट में बैक स्पेस काम करेगा या नहीं करेगा। इसके बाद हमारा ये चौथा क्वेश्चन था, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा, देखिए मैं इसके बैक स्पेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए टंकणन गति परीक्षण में यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत टंकणित कर दिया हो और वह उससे सुधार करना चाहता हो तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे सुधार कर सकता है। यानी आपने यदि एक बार टाइपिंग कर दिया और आपने इंटर या स्पेस नहीं दिया तो आप उसको बैक स्पेस की सहायता से सुधार सकते हो, लेकिन जब तक उसने अगला शब्द टाइप करने के लिए इंटर या स्पेस वर्ड का उपयोग नहीं किया हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि आपने जैसे कोई शब्द लिख दिया राम, उसके बाद में आपने स्पेस दे दिया, तो आप उसको दोबारा बैक स्पेस की सहायता से सही नहीं कर सकते हो। यानी आप बैक स्पेस यूज भी ले सकते हो, मगर जब तक आपने स्पेस या इंटर का उपयोग नहीं किया हो तब आप बैक स्पेस यूज ले सकते हो। तो दोस्तों ये आपका डाउट क्लियर हो चुका है कि आपका बैक स्पेस किस प्रकार से लेना है, ठीक है। और बाकी आप बैक स्पेस का यूज अच्छे तरह से ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हमारा यहाँ पे देखिए अंतिम क्वेश्चन जो था आपका, टाइपिंग टेस्ट शॉर्ट पे होगा या एमएस वर्ड पर। दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ, टाइपिंग टेस्ट आपका उनके सॉफ्टवेयर पे होगा, जैसा कि उन्होंने दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर होगा यहाँ पे, उसी पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये देखिए हिंदी टाइपिंग टेस्ट, इस प्रकार से उनका सॉफ्टवेयर उन्होंने दे रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और दोस्तों जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट है वो एमएस वर्ड पे ही आपका एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों यदि आपको और भी कोई क्वेश्चन हमसे जानने हैं पूछने और तो मुझे आप कमेंट करके बताएं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके जो एफिशिएंसी टेस्ट है यानी दक्षता परीक्षण टेस्ट है उसकी भी मैं वीडियो बना रहा हूं और उसके भी मैं सारे काम आपके लिए कर रहा हूं, तो आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ।